बच्चों का क्या हाल हो गया है, क्या खबर छपते रहता है, अब आपको पीड़ितों का हाल बताइए। अब भूलिए ना साहब, लेकिन बाकी टाइम फोन को लोग क्या बोलते रहते हैं उसी का चलते रहता है। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई और उसके बाद गोदी मीडिया का काउंटडाउन शुरू हो गया। गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कैसे बिहार में चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर तेज प्रताप हो, वो गोदी मीडिया को लेकर अपने खुलासे करते रहते हैं। और आज फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से गोदी मीडिया को लेकर जो बयान दिया गया है, उसको सुनने के बाद गोदी मीडिया की नींद उड़ना पूरी तरीके से तय है। नीतीश कुमार दरअसल अपने एक संबोधन में उन्होंने गोदी मीडिया को लेकर जो बयान दिया है वो काफी ज्यादा अब वायरल हो रहा है। न्यूज 24 की तरफ से इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपने संबोधन में कह दिया कि आज टेलीविजन और अखबारों पर कब्जा कर लिया गया है, ना कुछ छपता है और ना कुछ दिखाई देता है। ये नीतीश कुमार ने बयान दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि आज जैसे गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो अपनी चीजों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। मीडिया का जो ट्रायल है वो किसी भी मुद्दे पर बिना सर पैर के, बिना किसी सबूतों के आधार पर चलने लग जाता है और खुद ही जज, खुद ही अदालत, खुद ही सारे के सारी चीजें बन जाते हैं और खुद ही फैसला भी सुना देते हैं, वो काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से अखबारों में आज फ्रंट पेज पर ऐसी ऐसी खबरें छपती हैं जिनका कोई वजूद से ताल्लुक ही नहीं होता है और जो चीजें हैं वास्तव में उनको जगह नहीं दी जाती है, कब कहां क्या चल जाए कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि इन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो अपने प्रोपेगेंडा के आधार पर ये सारी चीजें करवाते हैं। अब नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो जरा सुन लीजिए, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, वीडियो सुनिए। काम करिएगा और खूब अच्छे ढंग से काम करिए, समाज में बहुत ही सुधार आएगा, बेहतर हो रहा है। हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं, कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं, किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल, बोलिए ना क्या क्या खबर छपते रहता है, अब बोलिए ना साहब समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने गोदी मीडिया को तो खूब लताड़ा ही, लेकिन साथ ही साथ बिहार की मीडिया को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार की मीडिया में जो कुछ भी चलता है, जो कुछ छपता है, वो हम सामने देख सकते हैं, वो हमारे टेबल पर आ जाता है, हम चीजों को देखते हैं और फिर बात करते हैं कि आखिर इसमें ये चीज क्यों नहीं की गई, इसको इस तरीके से क्यों नहीं किया गया या फिर इस खबर को क्यों छोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने एक अलग ही जोन में सारी की सारी पत्रकारिता दिखाती है। आपको याद होगा कैसे गोदी मीडिया के जो एंकर एंकरनियां हैं उनको बिहार की जनता ने जो है खदेड़ दिया था, जब वो बिहार का लाइव कवरेज करने गए थे। और आज भी बिहार को लेकर ऐसी ऐसी जंगल राज या फिर पूरी की तरीके से अब उग्रवादी वहां पर आ गए हैं, ऐसी ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग और कवरेज पर कवरेज की जाती है। लेकिन अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि गोदी मीडिया में कब कहां क्या छपता है हमें खुद पता नहीं चलता है, इससे पहले आपको याद दिलाना होगा जब तेजस्वी यादव को जो है गोदी मीडिया ने बिना सर पैर के, बिना किसी सबूत के आधार पर सीधा सीधा उनका मॉल, उनके एक जो है किसी और का था, उनके नाम कर दिया था। और यह उस दिन हुआ था जिस दिन बिहार में फ्लोर टेस्ट होना था। बिहार में एक तरफ फ्लोर टेस्ट हो रहा था, दूसरी तरफ सीबीआई की छापेमारी हो रही थी और तीसरी तरफ गोदी मीडिया तेजस्वी यादव का जो तथाकथित मॉल बता रहे थे उसको उनका साबित करने में लगे हुए थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसका साफ तरीके से तगड़ा और मुंहतोड़ जवाब देते हुए सारे के सारे सबूत और दस्तावेजों के साथ सदन में पहुंचे और वहां पर साफ कर दिया कि जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है उसमें आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप जिस तरीके से मीडिया को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि जो मॉल आप बता रहे हैं, चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं स्टूडियो में खड़े होकर, एक के बाद एक ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग फ्लैश करवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये मॉल है, तो आपको बता दूं और सबूतों के आधार पर कि ये मॉल मेरा नहीं है और ना ही मॉल से मेरा कोई ताल्लुक है, ये साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा था। और उसके बाद गोदी मीडिया की जो किरकिरी हुई थी वो सबके सामने है। लेकिन उसके पहले कुछ एक और ऐसे वाक्या हुए थे जब
तेजस्वी यादव जो हैं वो गोदी मीडिया से भिड़ गए थे, ये भी आपके सामने खबर हमने भी रखी थी, बाकी और भी जगह पर ये खबर चलाई गई थी। लेकिन तेज प्रताप यादव जो अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, उनको लाइव जो है उनके बोल देना कि आप बीजेपी के एजेंट की तरह पर काम करना बंद कर दीजिए, आप एक एंकर है, एंकर की तरह से काम करिए और पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, किसी पार्टी का एजेंट बनकर आप काम मत करिए, ये जो है ऑन जो है स्क्रीन लाइव टीवी पर तेज प्रताप यादव ने अमन चोपड़ा से कहा था। और इसके साथ साथ एक और वाक्य है तेज प्रताप से जुड़ा हुआ जिसमें गोदी मीडिया को उन्होंने जमकर धोया था। अभी जब शपथ ग्रहण हो रहा था, बिहार में नई सरकार बनी थी, उस वक्त जो कुछ तथाकथित पत्रकार हैं वो कवरेज करने के लिए गए थे और वहीं पर कुछ ऐसा देखने को मिला था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर मीडिया को वहां पर भी जमकर सबक सिखाया था और बताया था कि इस तरीके की बेहुदा हरकतें जो हैं वो मीडिया कर्मी के नाम पर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और तेज प्रताप यादव का जो अभी डाइवोर्स होने वाला था, तब गोदी मीडिया ने कैसे उनको लेकर के लाइव कवरेज की थी, उस पर भी तेज प्रताप यादव ने मीडिया को खूब लताड़ लगाई थी और कहा था कि पर्सनल कुछ मामले हैं, उनको पर्सनल ही रहने दिया जाए, इस तरीके से मीडिया में उछालने का आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है। हालांकि एक पर्सनालिटी है, वो राजनीतिक पर्सनालिटी है तो उनके बारे में जानना हर कोई चाहता है, लेकिन उन्होंने जब साफ कह दिया कि वो किसी भी तरीके की पर्सनल चीजों को बीच में साझा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर गोदी मीडिया उनको लेकर और सवाल ज्यादा खड़े करने लगी, तब उन्होंने ये मुंहतोड़ जवाब दिया था। और अब खुद नीतीश कुमार ने यानी मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि मीडिया अपनी चीजों से भटक गया है, मीडिया को जो चीजें दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाता है, बिना के मुद्दों को बनाकर वो सामने रखता है ताकि लोगों को भ्रम की स्थिति में डाला जा सके और जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके। नीतीश कुमार के इस बयान पर और बिहार में लगातार ये कवरेज पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।